जी तो दोस्तों वेलकम करते हैं आज की आपको परफ्यूम वीडियो में। आप देख सकते हैं क्लब दी न्यूट परफ्यूम को आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं। और माफ ब्रांड का ये क्लब दी न्यूट वूमेन परफ्यूम है। बहुत डिमांड आ रही थी वूमेन के लड़कियों की के इब्रार भाई वो जो है ना क्लब दी न्यूट पिंक वाला वूमेन परफ्यूम उसको रिव्यू करें, हमें वो दिखाएं ओरिजिनल कैसा है और इसकी प्राइस क्या और इसके नोट्स क्या हैं वो भी हमें बताएं। आप देख सकते हैं फर्स्ट लुक ये ईयर माफ का परफ्यूम है क्लब दी न्यूट। मैं इसको ओपन करके फर्स्ट लुक भी आपको दिखा देता हूँ। ये सबसे पहले आपको इसमें ओरिजिनल में जो है इसकी कैटलॉग ये मिल जाएगी मैनुअल बुक क्लब दी न्यूट ईयर मार्क का, ठीक है। फर्स्ट लुक ये इसकी पैकिंग है, पैकिंग बहुत सिंपल है और अच्छी पैकिंग बनी हुई है। ये देखें जी फर्स्ट लुक इसकी क्लब दी न्यूट और मार्क का ये परफ्यूम है वो मैन के लिए, बहुत अच्छी लुक है। इसकी लास्टिंग भी अच्छी होगी, इसका ढिक्कन भी माशाल्लाह से बहुत प्यारा है, खूबसूरत है, अच्छी ग्रिप है। ईयर माफ के ऊपर भी इसके ढिक्कन के ऊपर भी इसके जो शावर है इसके ऊपर भी आप प्रिंटिंग देख सकते हैं। ईयर माफ का परफ्यूम है, इसके नीचे भी ईयर माफ की जो है ये लगी हुई है स्टैम्प, मैनुफैक्चर डेट एक्सपायरी डेट सब कुछ मैंशन है। बहुत अच्छा परफ्यूम है, ज़ाती तौर पर मैंने जो ट्राई किया मुझे तो है वो मैन, लेकिन बहुत मज़े का परफ्यूम है। अगर इसकी बात की जाए नोट्स की कि इसकी फ्रेगनेंस कैसी है वो भी मैं आपको टेस्ट करके बता देता हूँ, ठीक है, कि मैं कैसे फील कर रहा हूँ इसके नोट्स कि मुझे कैसे लगे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये ड्यूरेशन वाला परफ्यूम है, फैलने वाला, डेली यूज़ के लिए भी, ऑफिस यूज़ के लिए भी, लड़कियों के लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है, स्टूडेंट के लिए भी बहुत बेस्ट है। तो अगर इसकी बात की जाए नोट्स की, सबसे पहले आपको एरोमेटिक, दूसरे नंबर पर आपको जो मिलेगा वो फ्रूटी है, और तीसरे नंबर पे जो आपको मिलेगा फ्रेश स्पाइसी है, ठीक है। तीसरा नोट जो है इसका वो फ्रेश और स्पाइसी है, और फोर नंबर पे आपको जो मिलेगा वो वुडी टाइप, हल्का सा वुडी मैं कह दूँ या थोड़ा सा जो है ना वो स्ट्रॉन्ग ज़रूर है, वुडी टाइप है और मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है इतना कि सर पेन करे। और फाइव नंबर पर इसका जो है मुझे नोट्स हल्का सा टच जो मुझे लग रहा है, ठीक है, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, वनीला टाइप, हल्का सा वनीला टाइप, लवेंडर भी काफ़ी नोट्स जो है ना वो काफ़ी फेमस और काफ़ी अच्छा नोट्स है, लेकिन इसमें लवेंडर मेरे ख्याल से नहीं है। इसमें जो है ना फ्रूटी टाइप, फ्रेश स्पाइसी, इसका फ्रेश स्पाइसी से मतलब थोड़ा शार्प है लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं है। और इसका फाइव नंबर पर जो नोट्स मुझे मिला है वो रोज़ है, ठीक है, रोज़ इसमें लाजमी होगा, रोज़ का इसमें जो नोट्स है ना वो एंड पे हल्का सा टाइम के साथ गुजरने के साथ जो महसूस हो रहा है ना वो रोज़ वाला इसमें ज़रूर है, ठीक है। तो दोस्तों ये इसके मेन नोट्स जो है ना वो मुझे महसूस, जो मैंने फील किया वो मैंने आपको अपना जो है ना वो अपने जो है ना वो राय आपको पेश की है। जो दोस्त इसको यूज़ कर चुके हैं, ठीक है, जो लड़कियाँ यूज़ कर चुकी हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इब्रार भाई इसके ये भी नोट्स, इसकी फ्रेगनेंस ऐसी है जो भी है, ताकि नए कस्टमर जो इसको ख़रीदना चाह रहे हैं, जो यूज़ करना चाह रहे हैं उनके लिए आसानी हो। तो अगर इसकी बात की जाए ML की, तो ये 100 ML का परफ्यूम है क्लब दी न्यूट और माफ का, ठीक है। जो दोस्त हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देख लिया उन्होंने बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह अगर आप ऐसे के मज़ीद लेटेस्ट परफ्यूम के रिव्यू देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल इब्रार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको डेली जो परफ्यूम अपडेट है ना वो मिलती रहे। हम कोशिश करते हैं डेली ब्रांड से ब्रांड परफ्यूम को रिव्यू करें, आप तक वीडियो बना के आप तक पहुंचाएं, जो परफ्यूम लवर हैं, परफ्यूम लाइक करते हैं, उनको जो है वो वीडियोस मिल सकें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मोहम्मद इब्रार को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।